फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लोड टेस्टर मशीन है। इस मशीन से हम बाइक की जितनी भी बाइक हैं उन सभी गाड़ियों की बैटरी को हम इस मशीन से टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको लोड टेस्टर बोलते हैं। इस लोड टेस्टर के माध्यम से एक बैटरी आई है हमारे पास में, उस बैटरी को हम आज टेस्ट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे सामने ये लोड टेस्टर मशीन रखी हुई है। इस लोड टेस्टर मशीन से आज हम बाइक की बैटरी को टेस्ट करेंगे। कस्टमर का कहना है कि बैटरी ख़राब हो गई है, लेकिन हम एक बार इस बैटरी को टेस्ट करके देखेंगे। अगर यह टेस्ट में ख़राब निकल जाती है फ्रेंड्स, तो यह बैटरी ख़राब है, और अगर टेस्ट में ख़राब नहीं निकलती है, मतलब ये बैटरी सही है फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ कारणों की वजह से ये बैटरी उतर गई हो, या फिर चाबी चालू छोड़ दिए हों, तो जिससे रात भर में ये बैटरी उतर गई हो। चलिए फ्रेंड्स, इस लोड टेस्टर से हम बैटरी को टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये एम्ब्रॉन की बैटरी है जो कि कुछ साल पहले ही डली थी गाड़ी में। जेट 5L की बैटरी है, प्लेजर की, जो हीरो जो प्लेजर स्कूटी है उस स्कूटी में ये बैटरी डली हुई थी। जेट 5L की, उसमें जेट 5L बैटरी लगती है फ्रेंड्स। ये एम्ब्रॉन की बैटरी है, इसको आज हम टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लोड टेस्टर मशीन है। लोड टेस्टर मशीन में फ्रेंड्स ये एक माइनस टर्मिनल होता है। इस माइनस टर्मिनल को हम बैटरी के, ये जो माइनस टर्मिनल है, इस माइनस टर्मिनल में हम इसको लगाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने माइनस टर्मिनल को लगा दिया हूँ। दूसरी ओर इसी लोड टेस्टर में एक प्लस टर्मिनल होता है, इस प्लस टर्मिनल को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हमने इसको इस तरीके से इस बैटरी के प्लस टर्मिनल में लगा दिया है। अब देख सकते हैं लोड टेस्टर की ओर मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर इसमें बैटरी की पावर 13.45 दिखा रहा है फ्रेंड्स, मतलब अभी 13.44 धीरे धीरे उतर के 12.84 या 13 तक आके अटक जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं लोड टेस्टर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.5 एम्पियर के लिए 10 में सेट करना है, और 4 से 7 एम्पियर के लिए 40 में सेट करना है, और 9 से 14 के लिए 70 में सेट करना है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोड टेस्टर मशीन है, ये सिलेक्टर है, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 40 में सेट है ये। जैसे कि मैंने बताया कि 4 से 7 एम्पियर की बैटरी के लिए हमको 40 में सेट करना है, तो हमने ये देख सकते हैं, जैसे कि 10 में सेट है अभी, 10 के बाद ये 40 के बाद ये 70। अगर 9 से 14 एम्पियर की बैटरी है, तो 9 से 14 एम्पियर के बीच में बैटरी है, तो हम 70 में इसको सेट करके टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर चूँकि हमारी बैटरी अभी 5 एम्पियर की बैटरी है, तो इसको हम 4 से 7 के बीच में सेट करेंगे, जो कि इसको हम 40 में सेट कर देंगे फ्रेंड्स। ये लोड टेस्टर मशीन है, इस लोड टेस्टर से हम बैटरी को टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मशीन में ये जो बता रहा है ये कि कितनी पावर है, 13.24 है अभी। तो जैसे कि मैं इस लोड टेस्टर के इस पुश बटन को प्रेस करूँगा कुछ सेकंड के लिए इसको, तो इस यहाँ पर बताने लगेगा फ्रेंड्स कि बैटरी सही की ख़राब है। अगर ये जो मल्टीमीटर में जो यहाँ पर जो मशीन बता रहा है 13.22, लोड टेस्ट ये बटन को पुश करने के बाद अगर ये 10 के नीचे जाती है, तो मतलब फ्रेंड्स बैटरी ख़राब है, और अगर 10 के ऊपर रहती है, तो मतलब बैटरी सही है। मिनिमम जो है 10 के ऊपर ही रहना चाहिए, मैक्सिमम तो 11, 11.5 भी हो जाती है, लेकिन 10 के नीचे अगर उतरती है, तो मतलब बैटरी की क्षमता ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हैं, और अब हम इस पुश बटन को दबाते हैं। तो जैसे ही, तो ये पुश बटन है, ये आप देख सकते हैं रेड वाला ये पुश बटन है। तो ये जो पुश बटन है फ्रेंड्स, ये जो लोड टेस्टर है, बाइक में जितनी सेल्फ लेने में लोड लगती है, उससे ज़्यादा ही लोड लेती है ये, तो इससे पता चल जाता है कि बैटरी ख़राब है कि सही है फ्रेंड्स। तो अब जैसे कि इसको मैं दबाऊँगा, जैसे कि आप, ये मैंने दबा दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 से नीचे भी नहीं आई है, अभी 12 से नीचे उतरी हुई थोड़ी सी, मतलब बैटरी में बहुत पावर है अभी, और क्या बोलते हैं, ख़राब भी नहीं हुई है फ्रेंड्स। इसको मैं 2-3 बार पुश कर करके देखूंगा कि कहीं दूसरा बार में ख़राब निकल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर भी नहीं आ पाई है,
दूसरी बार में भी, इसको हम तीसरी बार भी प्रेस करके देख लेते हैं, तीसरी बार में भी नहीं आई, फिर चौथी बार भी देख लेते हैं हम, चौथी बार में भी नहीं आ रही है, पांचवी बार भी प्रेस करके देख लेते हैं, मतलब सेल्फ लेते रहते हैं लोग, तो इसको भी हम 5-6-7 बार सेल्फ ले लेके देखते हैं, इसमें भी नहीं आई, पांचवी बार में भी, छठवीं बार में भी नहीं आई, सातवीं बार में भी नहीं आई। मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी पूरी तरीके से ठीक है, कुछ कारण के वजह से या तो फिर बाइक में कुछ प्रॉब्लम के वजह से बैटरी उतर गई होगी, तो सेल्फ नहीं ले रही होगी, हो सकता है गाड़ी को खड़ी रखे होंगे 20-25 दिन के लिए, चालू भी नहीं किए होंगे, तो उस कारण के वजह से भी बैटरी उतर गई होगी। फ्रेंड्स, अभी ये आपके सामने मैंने ये Z5L की बैटरी को टेस्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं Z5L की बैटरी है, तो ये बैटरी पूरे तरीके से ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई ख़राबी नहीं है। अगर ख़राब होती तो यहाँ पर लोड टेस्टर में 10 के नीचे आ जाती, और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि बैटरी सही है कि खराब। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हरी बत्ती भी जल रही होती, और अगर यहाँ पर 0.10 के नीचे आ जाता तो हम बैटरी को भी ख़राब मान लेते, लेकिन ये 10 के नीचे नहीं आ रही है। एक लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, फिर भी ये नहीं आ रही है। मतलब फ्रेंड्स, ये बैटरी पूरे तरीके से ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई ख़राबी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको यह बैटरी आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।